अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को। तो अगर से प्रीवियस वीडियो की बात की तो उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 की ओवरव्यू किया था कि चैप्टर नंबर 2 में हम बेसिकली जो है वो क्या क्या डील करेंगे। तो बेसिकली अगर चैप्टर नंबर 2 की बात की जाए तो वो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में है। तो अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक चीज़ देखी थी बाइनोमियल थ्योरम लास्ट में, और उससे पहले हमने देखा था बेसिकली कि हमारे पास लिमिट डेल अप्रोच 0 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स, एक फॉर्मूला देखा था जिसकी मदद से हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली एक वो लिमिट वाला फॉर्मूला और एक जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला, सॉरी बाइनोमियल वाला फॉर्मूला यूज करते हुए हम पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आ जाते हैं सबसे पहले हमने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे साइड पे एक बाइनोमियल थ्योरम और डिफरेंशियल इक्वेशन का थ्योरम यूज कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ठीक है, पहला ये फॉर्मूला था। दूसरा हमारा फॉर्मूला था 1 प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन ऑफ एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, और ये कंटिन्यू था, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमने दो बेसिकली जो है वो यूज़ करने हैं। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि हम बाइनोमियल थ्योरम को कहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जहाँ पर भी किसी चीज़ की पावर आ जाएगी, जैसे इसकी पावर है, इसकी पावर होगी तो हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन एक और आता है कि कहीं मतलब कि लेट्स सपोज लिखा हो ए प्लस बी का स्क्वायर, तो इसको तो हम बाइनोमियल थ्योरम के बगैर भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जो क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम के बगैर हो सकते हैं उनको उस तरह करेंगे, जो बाइनोमियल थ्योरम के साथ हो सकते हैं तो वो उस तरह करेंगे। लेकिन अगर हम इसको ए मतलब कि ये जैसे हम इस पर यूज़ करते थे फैक्टराइजेशन की मतलब से ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी का स्क्वायर, उस तरह भी कर सकते हैं और विद रिस्पेक्ट टू बाइनोमियल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों के रिस्पेक्ट से देख लेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, तो जिसमें किसी चीज़ की पावर मतलब कि 3 से ग्रेटर हो जाएगी तो उसके लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो उसके लिए हम बाइनोमियल यूज़ करेंगे, ठीक है। जब 3 से लेस होगी पावर तो उसके लिए बाइनोमियल लगा भी सकते हैं और नहीं लगा सकते, ठीक है, हमारी मर्जी पे है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को डील कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है, लेट्स सपोज मैं इसको वाई कैलकुलेट करता हूँ कि वाई इज इक्वल टू 2x² + 1, ठीक है, या वाई की रिस्पेक्ट से कर लेते हैं, या अगर वाई की रिस्पेक्ट से करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, ठीक है। तो वाई की रिस्पेक्ट से फार्मूला करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है, वाई प्लस डेल वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, तो ये वाई में कट जाएगा तो आ जाएगा डेल वाई बाई डेल एक्स, ये हमने निकालना है, ठीक है। तो आपकी मर्जी कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं या ये वाला फॉर्मूला लगाएं। तो बेसिकली मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व से कर लेता हूँ, फिर सेकंड को दूसरे से कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, 2x² + 1, ठीक है। अब इसको स्टेप वाइज करते हैं, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो अगर हम स्टेप 1 की बात करें तो स्टेप 1 में बार बार बेसिकली क्या होगा कि हम दोनों साइड पे ऐड करते थे डेल एक्स को, तो जहां जहां एक्स है वहां पे डेल एक्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे एक्स है, अब एक्स के होल पे स्क्वायर है, हम एक्स साथ डेल एक्स को ऐड करें, ठीक है। तो अब एक्स के साथ डेल एक्स ऐड हो जाएगा और स्क्वायर इसके होल पे आ जाएगा। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो लिखेंगे x² + del x, ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना कि x के साथ डेल एक्स ऐड हो रहा है, ना कि जो है x² के साथ। तो हम x साथ डेल एक्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएंगी, ठीक है, +1, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम एफ ऑफ एक्स को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो स्टेप 2 की बात कर लेते हैं, स्टेप 2 एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इन दोनों साइड को एफ ऑफ एक्स से माइनस कर दिया। अब इसको ब्रैकेट में लिख लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर ब्रैकेट में लिखेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस की मिस्टेक आ जाती है, तो इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई, बेसिकली 2 ए का स्क्वायर प्लस 2ab + b² + 1 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू थी, 2x² + 1, ठीक है।
तो आपने क्या करना है कि जो हमारे पास राइट साइड उस पर एफ एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है और लेफ्ट साइड पे हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो जो राइट साइड होगी उसमें एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। बेसिकली यहाँ पे हम टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स डेल एक्स प्लस टू डेल एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ब्रैकेट से अंदर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब कटिंग कर लेते हैं, बेसिकली ये और ये कट जाएगा, वन और वन कट जाएगा, तो जो हमारे पास लास्ट में आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फोर एक्स डेल एक्स प्लस टू डेल एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये रह गया। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, हमने डेल एक्स से बेसिकली डिवाइड कर देना था। तो हम स्टेप थ्री कर लेते हैं, तो स्टेप थ्री में एक चीज का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मूव करने से पहले हमें एक चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। वो चीज क्या है बेसिकली कि जो हमारे पास डिवाइड में डेल एक्स है इसको किसी तरह कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे कैंसिल आउट करेंगे, तो ये आपने कैंसिल आउट करने से मतलब कि जब तक ये क्वेश्चन आपको उस वक्त सही नहीं होगा जब तक ये डेल एक्स कैंसिल आउट नहीं हो रहा होगा, यानी हम नेक्स्ट स्टेप में उस वक्त तक मूव नहीं करेंगे जब तक ये डेल एक्स कैंसिल आउट ना हो जाए, मतलब कि जो भी क्वेश्चन हो एक्सरसाइज 1.1 या 1.2 का जो भी क्वेश्चन हो उसमें इसको कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से डेल एक्स कॉमन ले लेंगे ताकि कैंसिल हो सके, फोर एक्स प्लस टू डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, तो ये कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा फोर एक्स प्लस टू डेल एक्स। तो अब लिमिट पुट कर देते हैं, तो इस साइड स्टेप नंबर फोर में लिमिट पुट करेंगे स्टेप फोर। जब लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ठीक है। ये पूरी की पूरी चीज लिख ली और उसके बाद लिमिट लिख ली। अब राइट साइड पे भी लिमिट पुट कर लेते हैं, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो फोर एक्स प्लस टू डेल एक्स। तो बेसिकली क्या करेंगे कि जहां जहां पे डेल एक्स होगा वहां पे जीरो पुट कर लेंगे, तो हमारे पास बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा फोर। तो जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करोगे 2.1.2.3 2.4 में तो आप इसको क्वेश्चन को देखने से डायरेक्ट आंसर फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो बेसिकली जब आपने मेथड का अप्लाई करना है वो डायरेक्ट वाला मेथड अलग है, तो जब आपके साथ मेंशन ना हो कि आपने फाइंड करो डेरिवेटिव तो आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास मेंशन हो कि आपने फाइंड करना बाय डेफिनेशन मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू, ठीक है, तो आपने ये वाला जो है वो तरीका अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर बात की है तो क्वेश्चन में पहले क्या किया कि हमने दोनों साइड पर डेल एक्स को ऐड कर दिया, फिर जहां जहां एक्स वहां पर डके ऐड कर दिया डेल एक्स को ऐड कर दिया, फिर नेक्स्ट स्टेप हम क्या किया हमने दोनों साइड पर एफ ऑफ एक्स को माइनस कर दिया, उस साइड पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, फिर थर्ड स्टेप पे आके जहाँ पे डेल एक्स को डिवाइड कर दिया। थर्ड स्टेप पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डेल एक्स नीचे से काटना चाहिए, वो काट दिया, जब वो नीचे की चीज़ डिनोमिनेटर वाली काट गई तो हमने बेसिकली क्या किया कि लिमिट को पुट कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो एक ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसको रेज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू में क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर टू में भी सेम प्रोसीजर करना है कि जहाँ पे एक्स है प्लस उसके साथ डेल एक्स को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, तो इसको आपने खुद कर लेना है। तो जैसे जब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा तो आपने ख्याल रखना है कि आपने x साथ डेल एक्स को ऐड करना है, ना कि अंडर रूट एक्स के साथ। तो जब हम करेंगे तो x प्लस डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम जिस समय कह रहा हूँ कि आप अंडर रूट से करें तो ये चीज़ आती है, तो ये चीज़ आपने गलती नहीं करनी है, मैंने आपको पहले बताई है। ज़्यादातर बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो जैसे अभी लेट सपोज होता एक्स की पावर 100, तो एक्स प्लस डेल एक्स है तो अरे पावर बेशक 100 ऊपर आ रही हो, ठीक है, यानी एक्स के साथ डेल एक्स ऐड हो रहा ना के उसकी पावर के साथ, ठीक है। जो पावर आ जाती है वो पूरे के साथ आ जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर थ्री को, क्वेश्चन नंबर टू और थ्री सेम है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन को मैंने एफ ऑफ एक्स की रिस्पेक्ट से किया था, अब मैं उसको वाई की रिस्पेक्ट करूँगा, ठीक है, ताकि आपको दोनों क्लियर हूँ। बेसिकली उससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर वन को डील किए थे, तो हम क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आ जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर टू की तरफ फोकस करिए, उसमें लिखा हुआ है कि 1/x³। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर वन के रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री फोर और सिक्स एरिए ऐसे हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर थ्री को सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि उसकी एक्स की पावर ज्यादा है। तो बेसिकली पहले क्या कर लूँगा कि मैं इसको वाई के इक्वल ऐड कर लूँगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन को हमने एफ एफ एक्स की रिस्पेक्ट से किया था, तो इसको हम वाई की रिस्पेक्ट से कर लेते हैं। जब वाई के इक्वल ऐड कर लिया तो अब मैं क्या करूँगा कि स्टेप नंबर वन पे आता हूँ। तो स्टेप नंबर वन क्या था कि हम डेल को दोनों साइड पर ऐड करेंगे, ठीक है।
बेसिकली जब डेल को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स की पावर माइनस थ्री। ठीक है, जो एक प्रीवियसली बात थी कि जब एक्स ऐड होगा तो वो डेल एक्स साथ ऐड होगा, ये कि ना कि एक्स की पावर माइनस थ्री के साथ ऐड हो। एक और चीज़ हमने देखी है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन हमारे साथ उसमें कुछ ऐसा किया था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स था, तो हमने इस साइड भी डेल एक्स को ऐड किया था, उस साइड भी डेल एक्स को ऐड किया था। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल होता है उसकी मदद से हम उसका डेल ऐड कर देते हैं। कि लेट्स सपोज मेरे पास होता है टी इज इक्वल टू एम, तो मैं क्या कहता टी प्लस डेल टी इस साइड और उस साइड एम प्लस डेल एम, तो जो वेरिएबल होगा उसकी मदद से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हमने यही किया। जब फर्दर करेंगे तो हम क्या करेंगे, स्टेप टू की तरफ मूव करते हैं। स्टेप टू के बाद क्या था कि हम दोनों साइड पे डेल वाई को माइनस कर देंगे, तो इस साइड भी माइनस कर दिया और राइट हैंड साइड पे भी माइनस कर दिया। तो राइट हैंड साइड पे हम डेल वाई की वैल्यू पुट करे थे, तो वाई की वैल्यू माइनस क्या थी, ये आ गई है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था कि जब हमारे पास मतलब कि पावर ग्रेटर देन टू हो जाएगी, जब कोई फार्मूला नहीं बन रहा होगा तो हम उस पर बाइनोमियल अप्लाई कर लेंगे। तो जब बाइनोमियल अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास बेसिकली पहले इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या बच रहे हैं, एक्स प्लस डेल एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस एक्स की पावर माइनस थ्री, सॉरी माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, बाइनोमियल होता है वन प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस एन ऑफ एक्स प्लस एन टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू का फैक्टोरियल एक्स की पावर थ्री, और ये कंटिन्यू होते। ठीक है, तो हम बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करेंगे, तो बाइनोमियल थ्योरम को कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट है, यहाँ पे दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, तो एक को कांस्टेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कांस्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं कि एक्स के अलावा मतलब कि डेल के अलावा, डेल के अलावा उस मतलब कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है उसको डेल से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, पहले कर लेते हैं फिर आपको समझा देता हूँ कि अब डेल के अलावा क्या वैल्यू है, एक्स, उसको डेल के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। ठीक है, अब क्यों किया, क्योंकि ताकि इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो जब हम एक्स को कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर माइनस थ्री माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री आ गया। ठीक है, यानी मैंने कहा कि डेल एक्स के अलावा जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे डिवाइड भी कर देंगे। लेट सपोज मेरे पास कोई क्वेश्चन हो जाता है उसमें आता कि डेल एक्स के अलावा वैल्यू रहती है टू एक्स क्यू प्लस एक्स हंड्रेड प्लस डेल एक्स, तो अब इसके अलावा वैल्यू क्या है, टू एक्स क्यू प्लस टेन एक्स। तो हम क्या करते हैं, टू एक्स का क्यूब प्लस टेन एक्स प्लस डेल एक्स है, तो वो वैल्यू मल्टीप्लाई भी करते जो इसके अलावा वैल्यू है वो डिवाइड भी कर देते। ठीक है, तो डेल एक्स के अलावा जो वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, फिर फर्दर देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा। तो बेसिकली जब हमें इसमें से अब होल पे माइनस क्यूब था, तो मैंने एक्स कॉमन लिया तो होल पे उसके भी अभी माइनस थ्री है, जब ब्रेक कर दूंगा तो इस चीज़ की मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, तुम्हारे पास अब देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम क्या था। तो बेसिकली अगर बाइनोमियल थ्योरम को देखा जाए तो बाइनोमियल थ्योरम था कि वन प्लस डेल एक्स सॉरी वन प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू का फैक्टोरियल और एक्स का स्क्वायर, ये था। तो बेसिकली जब इस पर अप्लाई करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस थ्री आ जाएगी, फिर वन ऐसे आ गया, पावर स्टार्ट में आ गई, मतलब कि एन क्या है माइनस थ्री, वो आ गया, फिर एक्स की वैल्यू आ गई है, फिर कंटिन्यू दो तक लिखने के बाद हमने कंटिन्यू कर दी, फिर एक्स माइनस क्यूब लिख लिया। ठीक है, फिर फर्दर करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री एक्स की पावर माइनस थ्री डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कंटिन्यू माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री। ठीक है, यहाँ तक कर लिया, फिर इसको काट लेते हैं, ये काट जाएंगे तो हमारे पास जाएगा माइनस थ्री एक्स की पावर माइनस थ्री डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, तो उससे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमारे पास आ गया था डेल वाई, तो उससे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास स्टेप नंबर फोर की तरफ मूव करते हैं। स्टेप नंबर फोर क्या था, तो हमारे पास स्टेप नंबर फोर में हम दोनों साइड पर डेल एक्स से डिवाइड कर देंगे, इसे भी डिवाइड कर दिया, ये एक्स की पावर नीचे एक्स की पावर वन है, जब ऊपर जाएगी तो एक्स की पावर फोर हो जाएगी, तो डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स कर दिया। अब ये कट गए, तो हमने कहा था कि उसका कहते सॉल्व करना चाहता कि डी एक्स डेल एक्स कट ना जाए। अब कटने के बाद हम स्टेप नंबर फाइव की तरफ आते हैं, जिसमें हम लिमिट पुट करेंगे, हो जाएगा लिमिट
डेल एक्स अप्रोच टू जीरो, डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स, ठीक है, और यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो माइनस थ्री एक्स की पावर माइनस फोर, तो आ जाएगा माइनस थ्री की पावर एक्स माइनस फोर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, बेसिकली आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर फोर को डिस्कस किया, जिसमें हमने बेसिकली क्वेश्चन चार पार्ट के अंदर से हमने जो है वो दो क्वेश्चन कर लिए, बाकी सिमिलर क्वेश्चन है यस हैं। तो उससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट पार्ट को डील करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।